Dear students, now in this topic we will discuss about the EAN rule. EAN rule. So this is the next series of the organometallic compounds. So what is EAN? EAN means effective atomic number rule. Effective atomic number rule. So this rule describes about the stability of any organometallic compound. तो ये जो EAN rule है, जिसको effective atomic number rule कहते हैं, ये क्या define करता है? ये define करता है किसी organic compound की stability को. तो ये हम अगर एक mononuclear carbonyl लेंगे, तो उसके लिए हम different formula से उसको हल करेंगे. और अगर हम डाई न्यूक्लियर या पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल लेंगे तो उसके लिए हम डिफरेंट फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ईएएन अगर हम दिस इज फॉर मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जैसे NiCO4 है, FeCO5 है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ईएएन इज इक्वल टू एम प्लस टू वाई. सो वट इज एम? एम इज द एटोमिक नंबर ऑफ द मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन. सो मेटल मे बी एन एटम, लाइक इन मेटल कार्बोनिल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स मेटल इज इन एटॉमिक फेज, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो. एंड इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, द मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट मे बी पॉजिटिव. सो वी हैव टू कंसिडर दैट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो टू कैलकुलेट दी EAN. EAN को कैलकुलेट करने के लिए ये M जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर मेटल का. तो इसमें हमें क्या कंसीडर करना होगा? इसमें हमें कंसीडर करना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट को भी, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली जीरो होती है. तो इसलिए यहां पर जो भी एटॉमिक नंबर मेटल का होता है वो एटॉमिक नंबर M है. और Y है कितने लिगेंड एडेड है उसके साथ, और क्योंकि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? दो. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वाई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? टू वाई. इसलिए जो ईएएन है, एक्चुअली जो ईएएन है वो क्या है? वो है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाई एन अ मेटा कार्बोनिल और एनी ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स. कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. सो that are atomic number, its own electrons and the electrons donated by the ligand. So these are the total number of electrons that an organometallic compound occupied. So now with the help of examples I will help you to just calculate the EAN of different carbonyl compounds. So this is the case of mononuclear carbonyl. It is CrCO6. So we can see that हम देख सकते हैं कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 इसका एटॉमिक नंबर है और इसमें लिगेंड कितने? 6. तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12. सो अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 36. तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के अपने होते हैं और जो उसको लिगेंड देता है. वो टोटल अगर हम जोड़ दें तो वो आ जाएगा EAN. और वो जनरली क्या होता है? उसके नजदीक के नोबल गैस के कन्फिग्रेशन के बराबर होता है. तो अगर वो नोबल गैस के कन्फिग्रेशन के बराबर ये नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? स्टेबल है. तो जनरली इट डिफाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इफ इट इज फॉलोइंग द EAN रूल. बिकॉज इट इज फॉलोइंग EAN रूल बिकॉज दिस EAN इज द it is the atomic number of the nearest noble gas. So 36 is the configuration or is the atomic number of a noble gas. इसलिए ये क्या है? एक stable compound है. तो EAN हमें stability के बारे में बताता है. और जो compound EAN rule को follow करते हैं उनका जो EAN है वो क्या होता है? वो next inert gas के atomic number के बराबर होना चाहिए. कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देंगे. बट सम दे आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, दे आर एक्सेप्शनल केसेस. सो नाउ द सेकंड एग्जांपल इज NiCO4. सो इन केस ऑफ NiCO4 यू कैन सी दैट एटॉमिक नंबर ऑफ
निकिल, बिकॉज निकिल क्रोमियम दे आर इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. इस तरीके के कार्बोनिल्स में जहां पर कार्बोनिल के अलावा कोई दूसरा लिगेंड नहीं है वहां पर निकिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, जीरो है. इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 28. और 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे किसमें, जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 8. सो टोटल एटॉमिक नंबर विल बिकम 36. दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द ईएन ऑफ NiCO4, दिस इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन. सो इट इज अगेन अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स. देन वी कैन सी द अदर एग्जाम्पल इज OsCO5. सो दिस OsCO5, अगेन इट्स एटॉमिक नंबर इज 76. फाइव लिगेंड्स आर देयर, सो टोटल EN becomes 86 and it is the atomic number of RN. So it is following the EAN rule. Now the next example is RuCO5. It is again a mononuclear, this is mononuclear carbonyl. So its atomic number is Ru's atomic number is 44. Ru ka jo atomic number hai wo kitna hai, 44 hai. और इसमें पांच लिगेंड है, सो इट इज इक्वल्स टू 54. सो इट इज नियर टू द एटॉमिक नंबर ऑफ XE. सो इट इज ओबेइंग द EAN रूल. द नेक्स्ट इज द EAN रूल फॉर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स. सो वी हैव टू सी दैट पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स दे ओबे दिस EAN रूल और नॉट. सो फॉर दिस द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस. So it is XM. X is the number of metals. In case of polynuclear carbonyls, there are a number of metals. There may be two metals, there may be three, there may be four, there may be six. So it is the number of metal. It is the atomic number of metal. And it is the number of total ligands. Each ligand can donate two electrons. So yahan par hum XM kya likhte hain? XM mein X kya hai? Number of metal kitne hain? ये मेटल का एटॉमिक नंबर है, ये लिगेंड का नंबर है, और ये जो है यहां पर हमने एक एक्स्ट्रा जो जोड़ा है दैट इज मेटल मेटल बॉन्ड. सो मेटल मेटल बॉन्ड के कितने नंबर हैं, कितने हैं, वो एन है. और एक मेटल मेटल बॉन्ड क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग है वो टू है. तो टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जितने होंगे उसको दो से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन टोटल जितने भी मेटल्स होंगे उसके नंबर से इसको डिवाइड करना है. बिकॉज EAN जो है वो पर एटम निकलेगा, पर मेटल निकलेगा. अगर दो मेटल हैं तो हमें एक मेटल के लिए कैलकुलेट करना है. तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज Fe2CO9 एंड इन केस ऑफ Fe2CO9 Fe का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26. दो Fe है, सो 2 इंटू 26 प्लस 9, इसमें क्या है, कार्बोनिल. तो 9 जो कार्बोनिल है वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. आपने पहले ही इसका स्ट्रक्चर देख लिया है. तो Fe में कितने बॉन्ड होते हैं, एक MM बॉन्ड होता है. एक MM बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो. एक MM बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन देगा. टोटल नंबर ऑफ Fe कितने हैं, 2. सो इट इज इक्वल्स टू 36. अगेन दिस कॉम्प्लेक्स इज ओबेइंग EAN रूल. और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर आया, क्रिप्टॉन के बराबर. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज CO2CO8. सो इन केस ऑफ CO2CO8, CO का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 27. कितने हैं, दो. आठ लिगेंड से हैं और मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, दो. सो इट अगेन इट बिकम्स इक्वल्स टू 36. नेक्स्ट एग्जांपल इज MnCO10. सो MN का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 25. 25 एटॉमिक नंबर है और ये जो है कितने हैं, दो. 10 इसमें लिगेंड है, 10 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 10 इंटू 2, एक मेटल मेटल बॉन्ड. सो अगेन इट इज फॉलोइंग EAN रूल. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज द Fe3CO12. अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने आयरन हो गए हैं, तीन. तो अब हमें क्या करना है, देखिए 26 इंटू 3, तीन है तो तीन कितने लिगेंड्स हैं, 12. एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो. और कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे वो हमने पहले ही स्ट्रक्चर में देख लिया. अगर Fe3 है तो वो उसमें तीन मेटल मेटल बॉन्ड होंगे. एक मेटल मेटल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दो.
और कितने पर, अगर हमें पर आयरन निकालना है तो कितने हो जाएंगे, अपॉन थ्री, क्योंकि यहाँ पर थ्री आयरन. सो अगेन इट इज फॉलोइंग द ई ए एन रूल. अब मैंने एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कि चार सीओ है, कोबाल्ट. इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया था. अगर चार मेटल हो तो वो कैसे अरेंज रहते हैं, टेट्राहीड्रली. और अगर वो चार मेटल एटम टेट्राहीड्रली अरेंज्ड होंगे तो उनका कितने मेटल मेटल बॉन्ड उसमें आएंगे, तो मैं आपको यहां पर दिखा सकती हूं कितने आएंगे. देखिए सीओ, सीओ अगेन आपको रिमाइंड करने के लिए, ये सी कोबाल्ट है तो ये टेट्राहीड्रली अरेंज्ड है, तो चार बॉन्ड तो ये हो गए मेटल मेटल, पांचवा और छठा. सो कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, सिक्स. सो इन केस ऑफ सीओ फोर देर आर सिक्स मेटल मेटल बॉन्ड. तो पहले हमें ये देखना है कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 27 है. चार है, देन लिगेंड, देन देर आर सिक्स मेटल मेटल बॉन्ड्स. एंड चार मेटल एटम है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा फोर से. अगेन इट इज ओबेइंग द ईएन रूल. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को लें और उसका अगर हम ईएन रूल निकालना चाहें कि वो ईएन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो उसके जो कैलकुलेशन के दो मेथड है. एक तो हम न्यूट्रल लिगेंड मेथड से करें, दिस इज जो मैं डिस्कस कर रही हूं ये न्यूट्रल लिगेंड मेथड है, और दूसरा मेथड हो सकता है डोनर पेयर मेथड. तो पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रल लिगेंड मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे कि हर एक लिगेंड को न्यूट्रल मान लेंगे. तो अगर हर एक लिगेंड न्यूट्रल होगा तो आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी. ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जीरो. अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 26. कितने कार्बोनिल हैं, दो, तो दो कार्बोनिल के वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 × 2. देन अब अगर हम देखें इसमें सीएल, सीएल इन द फॉर्म ऑफ सीएल, तो सीएल के पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने के लिए. सो सीएल इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर अगर ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है. और हमने हेप्टिसिटी के बारे में भी पढ़ा था. सो अगर ईटा फाइव लिखा है इसका मतलब ये पांच इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये पांच इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये दो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनर है. तो अगर हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 36. अगेन इट इज फॉलोइंग ई ए एन रूल. अब अगर हम दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना चाहें इसको, इसको हम कैलकुलेट करेंगे डोनर पेयर मेथड से. तो अगर हम डोनर पेयर मेथड से कैलकुलेट करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि आयरन, आयरन की स्टेट अगर हम ये इनको माने कि ये आयनिक है, तो इसमें क्या लिगेंड थे, एक तो सीएल था. अगर हम सीएल को सीएल माइनस की तरह देखें, और जो ईटा जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है अगर उसको भी हम माइनस ले लें, तो ये पहले पांच इलेक्ट्रॉन डोनर थी, अगर हम इसको माइनस रखेंगे तो ये छह इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी. और अगर सीएल माइनस लेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनर होगी. अब माइनस चार्ज कितने हो गए, एक माइनस, दो माइनस. तो दो माइनस होने से क्या हुआ कि इस आयरन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, टू चार्ज आ गया. पहले तो जीरो चार्ज था, अब कितना चार्ज आ गया, जीरो आ गया. तो दो, तो ये इसकी वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 26 था, अब कितना हो गया, 24, क्योंकि एफ ई टू प्लस हो गया. एक माइनस चार्ज ये था और एक माइनस चार्ज इसके ऊपर था, अब ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ये फोर इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर. सो इट इज फॉलोइंग द ई एन रूल, बट द मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. बट दोनों मेथड से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिला. तो किसी भी हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का ई एन कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, वो रूल जो है वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल. एक और रूल है इनके लिए, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के लिए, और वो क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल. 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो फॉलो, जो जो भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनो जो ईएन रूल को फॉलो करते हैं, दे ऑल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ये तो एक रूल, एक थंब रूल है कि जो ईएन रूल को फॉलो करेंगे वो सभी क्या करेंगे, वो सभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेंगे. बस डिफरेंस क्या है, देखिए ईएन रूल क्या, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, इसमें हम क्या लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अब यहां पर जो एम हो गया वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मेटल में या मेटल आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लिगेंड हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे उनको जोड़ दें, और मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर उनको जोड़ दें तो टोटल कितना आ जाएगा, उसको होना चाहिए 18. तो वो 18 होना चाहिए, इसका मतलब वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है.
सो वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो यहां पर मैंने देखिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये मोनो न्यूक्लिक कार्बोनिल है. तो निकिल के केस में देखिए इसके जो एक्सटर्नल जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d8 4s2. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है. ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन. टोटल इक्वल्स टू कितना आ गया, 18. तो इट इज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज FeCO5. FeCO5 में जो Fe है उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 4s2. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 8. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गिवन बाई कार्बोनिल 10. सो टोटल इज 18. सो अगेन इट इज फॉलोइंग EAN रूल. तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं. अब इसको देखिए CrCO6. तो क्रोमियम का जो एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, 3d5 4s1. कितने इलेक्ट्रॉन, हुए 6. ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल इज 18. अगेन इट इज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल. RuCO5, ये मोनोन्यूक्लियर की हम बात कर रहे हैं, इसका भी जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने, 8, जैसे आयरन के ही ग्रुप का है. तो टोटल जो उसका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने आए, 18. अब देखिए अगर हमें पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल के लिए कैलकुलेट करना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिमिलर फार्मूला दैट वी हैव बीन यूज्ड फॉर EAN. बट यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एटॉमिक नंबर की जगह पर क्या यूज करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो फिर पूरा एक है कि ये जो आना चाहिए इसको 18 के बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है. तो एग्जांपल अगर हम देखें तो हम देखेंगे Fe2CO9 को. Fe2CO9 को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे Fe का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं. कितने एटम है, 2. तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी कैलकुलेशन वही है. और डिवाइड किससे होगा, 2 से. सो इट इज इक्वल टू 18. सो इट इज फॉलोइंग EAN रूल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CO2CO8. तो CO2CO8 को अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए CO का जो कन्फिग्रेशन क्या है, 3d7 4s2, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स. 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ कोबाल्ट. सो अगेन इट इज फॉलोइंग, देयर आर 8 लिगेंड्स एंड देयर इज वन मेटल बॉन्ड, और वन मेटल बॉन्ड विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल इज द 18 इलेक्ट्रॉन. अब हम एक और कॉम्प्लिकेटेड का एग्जाम्पल लेते हैं. तो Fe3CO12 अगर हम लेंगे तो इस जो Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8. कितने Fe है, 3. कितने लिगेंड हैं, 12. एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2. और प्लस Fe3 है तो कितने इसमें बॉन्ड होंगे, मेटल 3. तो एक मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो 3 कितने के लिए होंगे, 6 के लिए. टोटल नंबर ऑफ आयरन कितने एटम है, 3. तो एक आयरन एटम के लिए निकालने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट विद 3. अगेन इट इज फॉलोइंग द EAN रूल. नाउ आई हैव मेंशनड सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दैट डू नॉट ओबे द EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल बट दे आर स्टेबल कंपाउंड्स. सो लाइक दिस NiCN4 2 नेगेटिव. अगर हम इसका EAN कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए निकिल के ऊपर क्या चार्ज है, निकिल के ऊपर चार्ज है +2. और निकिल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते थे, टोटल इलेक्ट्रॉन 28. अब इसमें कितने रह गए, 26, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2. और CN कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2. तो 4 कितने देंगे, 8. तो ये टोटल कितना आ गया, इट इज इक्वल्स टू 34. इट इज नॉट ओबेइंग दी EAN रूल. और 18 इलेक्ट्रॉन वी कैन कैलकुलेट इन केस ऑफ दिस, 8 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन बिकॉज इट इज Ni2+. तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये 8 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16. तो इट इज नॉट ओबेइंग दी EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल. और एक मेटल कार्बोनिल ऐसा है, देखिए VCO6, एक VCO6 ऐसा कार्बोनिल है जो EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, केवल यही एक ऐसा है. इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए क्या करता है, ये जल्दी से अगर इसको मौका मिला, जैसे हमें मौका मिलता है तो हम कई सारे काम कर दिखाते हैं, ऐसे ही अगर इसको मौका मिले तो ये क्या करता है, जल्दी से नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले आता है. तो अगर हम इसका EAN कैलकुलेट करेंगे तो वो 35 होगा. इसलिए यह क्या कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, माइनस, सो दैट इट्स EAN विल बिकम 36. तो एक ही मेटल कार्बोनिल है जो कि EAN रूल को फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे मेटल कार्बोनिल्स लगभग सारे के सारे EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं. और ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड EAN रूल, ये क्या बताता है, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ
ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स, क्योंकि ये जब हम कैलकुलेट करते हैं ईएन तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है बराबर किसके, जो नेक्स्ट उसका जो नियरेस्ट जो नोबल गैस होता है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आता है. सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ईएन 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और जो ईएन को फॉलो करते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेंगे.